बाई तार दे पहाड़ी राजे जिन्हों का साम्राज जम्मू तो लैके तो बद्रीनाथ तक फैलिया सीगा। कदे वो गुरु साहब नाल लड़ पैंदे सी जंगा विच ते कदे फिर माफ़ी मांग के उन्हां दी शरण चले जांदे सीगे। गुरु साहब ही बख्शनहार सीगे, हमेशा माफ़ कर देंदे सीगे। की तुहानूं पता हैगा कि एक समय इस तरह आया कि इस सारे दे सारे राजे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की गल मन के ते अमृत छकण वास्ते तैयार हो गए सीगे। कि आप जी जानना चाहोगे कि वो केड़ा स्थान सी ते उस तो अगे फिर की होया? फतेह की सांझ नाल करने आ एक होर नवे दिन की शुरुआत आप सारिया संगतां नाल जिहड़ियां कि इन्ने प्यार नाल साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा दशम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर ते नाल ही PTC सिमरन ते वेखदे हैगे। आप सब का बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। अज दिन की शुरुआत कर रहे हैं असी कोटला निहंग खान जिस स्थान उत्ते कल आप जी नूं दर्शन कराए सीगे। इत्थों अगे जाण वास्ते एक ऐसे स्थान दे उत्ते जिथे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक होर इतिहासिक स्थान है ते जिथे उन्हां दी एक होर हिस्टरी एक होर इतिहास आप जी नूं दसांगे। इस तों पहले आप जी नूं इह दसने हैगे कि दशम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने जब पौटा साहब तो अपनी यात्रा शुरू की सी ते कोटला निहंग खान तो फिर वो अगे कित्थे गए? कोटला निहंग खान तो कनौला बुंगा किरतपुर पतालपुरी इत्यादि स्थानों पर होंदे हुए महाराज पहुँचे सीगे आनंदपुर साहब। तो उस तो पहले उन्होंने पतालपुरी भी जाके उत्थे दर्शन किए गुरद्वारा साहब जी दे ते नाल ही जिहड़े दो स्थान सीगे उत्थे गुरद्वारा साहब जिथे सुशोभित ने एक भाई गुरदित्ता जी का ते दूसरा गुरु हर राय जी का उन्हां दोनों स्थानों पर जाके इतिहासकार दसदे ने उन्होंने कड़ा प्रसाद कराया ते अरदास की। उस तो उपरांत बाबा सूरजमल जी दे जिहड़े पोतरे सीगे श्याम सिंह ते गुलाब राय जी उन्हां मिले ते उन्हां दोनों ने गुरु साहब तो जंग का सारा ब्यौरा पुछया ते उन्हां दा हाल चाल पुछया ते नाल ही बीबी बीरो जी दे दो पुत्रां दी जिहड़ी शहादत होई सी पंगाणी दे युद्ध विच उहदा अफसोस जाहिर कीता। गुरु साहब इस स्थान ते थोड़ा समय लई रुके उस तो बाद वो आनंदपुर साहब आ जांदे ने। पर आनंदपुर साहब पहुँच के समय गुजरता हैगा ते जिहड़े बाई तार दे राजे सी जिन्हां नाल उन्हां दा जंग होई सी युद्ध होया सी पंगाणी दा उन्हां दा बर्ताव कुछ अजीब हुंदा हैगा। कदी वो गुरु साहब नाल लड़दे ने जंग लड़दे ने हार जांदे ने फिर आके माफ़ी मंगदे ने ते गुरु साहब ते दया दी मूरत बख्शनहार स्वामी वो इन्हां नूं माफ़ कर देंदे ने। सो यह सिलसिला चलता रहिंदा हैगा जिहड़ा कि इतिहास विच इसी दा वर्णन आया। उस तो बाद यह होंदा हैगा कि सारे राजे इकट्ठे होकर गुरु साहब की शरण विच आके माफ़ी मंगदे ने ते उन्हां नूं न्योता देंदे ने कि वो विसाखी वाले दिहाड़े रवालसर उत्थे आण ते सारे राजे उत्थे उन्हां नूं मिलणगे। गुरु साहब उन्हां दी बेनती स्वीकार कर लैंदे ने ते अज असी आप जी नूं उसी स्थान रवालसर लैके जावांगे। रवालसर वो स्थान हैगा जिहड़ा आनंदपुर साहब जी तो तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्थे पहुँच के की होया उत्थे दा की इतिहास सीगा गुरु साहब नूं रवालसर ते मंडी भी गए सी गुरु साहब इस तो बाद दोनों स्थानों पर क्यों बुलाया गया यह सारा कुछ आज आप जी नूं उत्थे पहुँच के दर्शना कराने तो बाद डिटेल ही दसांगे। सो आओ चलो तुसी साडे नाल मंडी ते रवालसर ते पहले आप जी नूं लैके चले आ रवालसर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाह रमजा तेरिया वे बाबा वाह रमजा तेरिया वाह रमजा तेरिया वे बाबा। संगत जी हुण सी चाले पा चुके हैगे आ कोटला निहंग खान तो आप जी नूं ले जाण वास्ते मंडी ते रवालसर। पहले असी चलांगे रवालसर जिहड़ा कि इत्थों तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है। वो स्थान जिथे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरण पे ते उहदे नाल एक डूंगा इतिहास उन्हां दा जुड़िया हुआ है। आओ तुसीं भी चलो साडे नाल इस यात्रा का हिस्सा बनो ते यात्रा का आनंद माणो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਦਾ ਓ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ। ਰਵਾਲ ਸਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਾਲ ਸਰ ਦੇ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਰਵਾਲ ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੀੜੀ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਾਈਟ ਮੋੜਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਲ ਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਥਾਨ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜੀਆਂ ਗੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿੰਨੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਝੀਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਵਾਲਸਰ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਝੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਛੂਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਝੀਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੌਧ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਝੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 250-250 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਮੰਗੋ ਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਨ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ, ਸਿਮਰੋ ਤੁਮਰਾ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁੱਜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਰਵਾਲ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 415 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 135 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਏਗਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੰਤਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੰਤਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ, 350-350 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਥਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਤੁਰ ਚਾਕ੍ਰ ਵਰਤੀ, ਚਤੁਰ ਚਾਕ੍ਰ ਪੁਗਤੇ, ਸਵਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵ ਜੁਗਤੇ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਥਾਂ, ਅਨ ਬਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਅਨ ਬਿਨ ਜਪੋ ਗੁਰ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ।
गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद। संगत जी आओ सरवण करने हैगे आ गुरद्वारा श्री रवालसर साहिब जी पातशाही दसवीं दा ते रवालसर दोनों दा इतिहास। पहले गल करिए रवालसर शहर दे बारे विच। रवालसर जिहड़ा हैगा हिमाचल प्रदेश दे विच शुभायमान हैगा, जिन्ना इंपॉर्टेंट ए साडे वास्ते हैगा उस तो वध ए इंपॉर्टेंट हिंदू ते बौद्ध वीरां वास्ते हैगा। इस स्थान दे उत्ते एक बहुत वड्डा बोधियां दा मंदिर बनिया हुआ हैगा, जिहड़ा कि झील दे नाल एक उच्ची पहाड़ी दे उत्ते शोभायमान है। 4500 फुट समुद्र तल तो उच्चा यह स्थान झील दे उत्ते पहाड़ी दे उत्ते जिहड़ी मूर्ति आप जी देख रहे हैगे ओ हैगी गुरु रिंपोचे दी। गुरु रिंपोचे दे बारे विच आख्या जांदा हैगा कि वह 8वीं शताब्दी दे विच उन्हां दा आगमन होया सीगा ते बौद्ध धर्म दे बुद्ध तो बाद वो बहुत वड्डे संत महात्मा या महापुरख होए ने जिन्हों बहुत ही मनते ने। कंडिया दी सेज बिछाई यारी तुर कर तार ना लिलाई, कंडिया दी सेज बिछाई यारी तुर कर तार ना लिलाई। आओ हुण गल करने हैगे आ गुरद्वारा श्री रवालसर साहिब पातशाही दसवीं दे इतिहास दे बारे विच। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस वक्त आनंदपुर साहब ही सीगे ते 22 तार दे 22 राजे जिहड़े कि पहाड़ी राजे मने जांदे सीगे उन्हां दा न्योता आंदा हैगा कि आप जी विसाखी वाले दिहाड़े रवालसर आओ। 22 तार दे जिन्ने भी राजे ने उन्हां दा राज शुरू होंदा हैगा जम्मू तो ते वह ख़त्म होंदा है बद्रीनाथ जाके हेमकुंड दे नेड़े। ते इह जिहड़ा स्थान हैगा रवालसर दा वो जम्मू ते हेमकुंड साहिब या बद्रीनाथ दे सेंटर ही जांदा है, मध्य जांदा है बिल्कुल। इस करके इस स्थान दे उत्ते एक सभा या मीटिंग रखी गई ते सारे राजावां नूं इत्थे बुलाया गया। गुरु साहब जी ने उन्हां राजावां दी बेनती स्वीकार की। गुरु साहब विसाखी वाले दिहाड़े इस स्थान दे उत्ते आके पुजदे ने अपने परिवार समेत ते नाल ही उन्हां दे संगतां होंदियां ने ते उन्हां दे फौजां वी नाल होंदियां ने, ऐसा इतिहासकार दसदे ने। जो लड़े दीन के हेत। असल विच औरंगजेब दी कट्टरपंथी नीतियां नाल इत्थे दे सारे राजे बहुत ही दुखी सीगे। औरंगजेब पहाड़ी राजावां तो काफ़ी लगान वसूल करदा सीगा ते इस बार उसने एक चाल चली ते सारे राजावां नूं बुला के आख्या कि मैं तुहाड़ा सब दा लगान माफ़ कर देवांगा पर बदले विच गुरु गोबिंद सिंह जी नूं फड़ के मेरे हवाले करो। इस मंग ने सारे राजावां नूं ना चाहते हुए भी गुरु साहब जी दे विरोध विच खड़ा कर दिता। उन्होंने अनमने मन तो जाके आनंदपुर साहब जाके बेनती की विसाखी वाले दिन इस स्थान के उत्ते आने दे वास्ते, लेकिन अंदरों कुछ होर ही चल रहा सीगा। उस वक्त इस इलाके नूं हरिदेश्वर दे नां तों भी जाणिया जांदा सीगा। हुण गुरु साहब जिस वक्त इत्थे पुजदे ने ते गुरु साहब जी नूं एक उच्चे सिंघासन ते बिठाया जांदा हैगा ते सारे राजे गुरु साहब जी नूं घेर के उन्हां दी हजूरी विच खड़े हो जांदे ने। राजियां नूं लगदा सीगा कि गुरु साहब इत्थे आणगे ते उन्हां दे नाल कुछ ही सिख होणगे ते गुरु साहब ते उन्हां नूं फड़ के असीं औरंगजेब दे हवाले कर देवांगे, लेकिन गुरु साहब इस स्थान दे उत्ते अपने 500 घुट सवारां दे नाल पुज्जे सीगे जिन्हों देख सारे राजे सन रह गए। उस वक्त राजा सिद्ध सैन इस इलाके दे उत्ते राज करदा सीगा जिहड़ा कि गुरु घर नूं मनण वाला ते गुरु जी दे पक्ष विच सीगा। राजा सिद्ध सैन ने बाकी राजियां नूं साफ कह दिता सीगा कि अगर गुरु साहब जी दे नाल कोई भी चलाकी चली या कोई उन्हां नूं नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वह किसी का भी साथ नहीं देंगे। गुरु साहब का जाहो जलाल ते लश्कर वेख राजे घबराए ते एक बार मन उन्हां दा फिर बदल गया। इस बार उन्होंने सच्चे मन नाल जाके गुरु साहब नूं अपनी परेशानी दे बारे दस्या। उन्हां दी परेशानी नूं सुन के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सारे राजां नूं जुर्म दे खिलाफ़ इकट्ठे होकर लड़न वास्ते आख्या। 22 राजां ने गुरु साहब नूं आख्या कि जेकर वह सारे इकट्ठे हो भी जावन फिर भी वह औरंगजेब दे नाल नहीं लड़ सकते। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारे राजां दी गल सुनकर अपना समर्थन उन्हां नूं देण वास्ते आख्या पर नाल ही एक शर्त भी रखी कि सारे राजां नूं
अमृत छकना पाएगा। सारे राजे अमृत छकन वास्ते तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने गुरु साहब नू आख्या कि तुहाडे अमृत छकाण दा जिहड़ा तरीका है उहदे विच सारे जात दे लोग, चाहे वह उच्ची जात दे होण या नीवी जात दे होण, वो कट्ठे हो के एक ही बाटे तो अमृत छकदे ने। जेकर तुसी साडे वास्ते उच्ची जात दे लोगों वास्ते जे अलग अमृत छका सको तो असी अमृत छकण वास्ते तैयार हैगे आ। पर गुरु साहब जी ने उन्हां दी गल नहीं मनी ते उन राजियां ने अमृत नहीं छकिया। राजियां तो जाण तो बाद इतिहासकार दसदे ने कि धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस स्थान दे उत्ते एक महीना दो दिन तक रुके। उपरांत राजा सिद्ध सैन वो अपने पुत्रां समेत इत्थे आंदा हैगा ते गुरु साहब जी नू अपनी राजधानी मंडी लै जांदा हैगा, जिदा कि एक वक्रे इतिहास है। इस स्थान दे उत्ते जिथे गुरु साहब आ के विराजे सीगे उस स्थान दे उत्ते एक उच्चा थड़ा होया करदा सीगा। 1930 दे विच जद इस स्थान की सेवा हुई तो इत्थे एक सोहना गुरुद्वारा साहब बनाया गया। मंडी दे राजे सिद्ध सेन की पंजवीं पीढ़ी विचों राजा जोगिंदर सिंह ने इस स्थान दे उत्ते एक सुंदर गुरुद्वारे का निर्माण कराया, इत्थे दी सेवा कीती सी। इस स्थान दे बारे विच एक होर भी साखी प्रचलित हैगी। गुरुद्वारा साहब तो कुछ दूर पहाड़ी दे उत्ते एक गुफा सीगी जिथे एक साधु बह के तपस्या कीता करदा सीगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस समय इत्थे रुके सीगे तो एक दिन टहलदे टहलदे उस साधु नू जा मिले। साधु ने गुरु साहब नू दस्या कि वह पहले एक बहुत वड्डा राजा हुंदा सीगा जिहदा वड्डा राजभाग औरंगजेब ने पूरी तरीके नाल नष्ट करता, लेकिन हुण वह राजा सिर्फ प्रभु की बंदगी दे विच लीन रहिंदा है। राजे ने अपना नाँ रिवाल दस्या, शायद ऐसी करके इस स्थान का नाँ रिवाल सर है। सच्चे पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उस राजे नू भी सच का मार्ग दिखाया ते उदा उधार किया। यह सीगा इस स्थान दे उत्ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे आण दा मकसद ते एदे नाल जुड़िया हुआ सारा इतिहास जिहड़ा आप जी ने सरवण किया। सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा तुम हो, राजन के सब राजन। संगत जी, गुरुद्वारा श्री रवालसर साहिब विच आप जी हुण दर्शन कर रहे हैगे आदि ग्रंथ साहिब जी दे एक हस्तलिखित स्वरूप दे। इह स्वरूप किसने ते कदों लिखिया इहदे बारे विच कोई खास जानकारी सानूं नहीं मिलदी, पर शुरुआत तो लै के अंत तक गुरु महाराज दे सारे अंग इस स्वरूप दे अंदर शोभायमान ने। संगत जी, अज दे एपीसोड विच आप जी ने दर्शन किए गुरुद्वारा श्री रवालसर साहिब जी पातशाही दसवीं दे, जिहड़ा कि इस स्थान रवालसर दे विच शोभायमान सीगा ते जाणिया इत्थे दा संपूर्ण इतिहास। ते अगले एपीसोड विच आप जी नूं असीं लै के चल रहे हैगे आं एक होर स्थान जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश दे अंदर ही मंडी दे विच है, जिहड़ा इत्थों तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर है, जिहदा नां हैगा इतिहासिक गुरद्वारा पातशाही दसवीं मंडी। आप जी नूं उत्थे दा भी इतिहास दसांगे। उस तों पहलां आप सारा दा तहे दिल तो बहुत बहुत धन्यवाद, जिहड़ा कि साडा प्रोग्राम स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा दशम पिता धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े यूट्यूब चैनल द टर्बन ट्रैवलर ते नाल ही रोज़ाना PTC सिमरन ते वेखदे हैगे हो, तहे दिल तो एक बार दोबारा शुक्रिया। सो चाले पाने जी, कल आप जी नाल फिर मुलाकात होएगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु, वाह रमजा तेरिया वे बाबा, वाह रमजा तेरिया वे तेरी मौज चो वे तेरी फौज चो। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी, तेरी मौज चो वे तेरी फौज चो। बाबा मिलनो दलेरिया, वाह रमजा, वाह रमजा तेरिया वे बाबा, वाह।